इसमें 15 वॉट का चार्जर है और इसमें चार्जर ही नहीं है, ये हाल है सैमसंग के। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20F स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी S21F स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दो कि S20F के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ S21F के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले दी है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली S21 FE की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल रही है जो कि एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो S20 FE सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ S21 FE यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और आपको बता दूं दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में यहां पर S21 FE स्मार्टफोन ही विनर है। और साथ ही यार IP रेटिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो S20 FE यहां पर एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, और इस फोन में आपको मैक्सिमम एंड्रॉइड 13 तक के अपडेट्स मिलेंगे, और ये स्मार्टफोन One UI 3.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ S21 FE यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, लेकिन इस फोन में आपको एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे और ये स्मार्टफोन One UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर S21 FE स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें ज्यादा एंड्रॉइड के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं भाई, जो कि काफी अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो S20 FE के अंदर हमें Snapdragon 865 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ S21 FE के अंदर हमें Exynos 2100 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दो दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। और दोस्तों एंटूटू स्कोर यहां पर S20 FE का आता है 6,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ S21 FE का आता है 7 लाख के करीब। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जिनका कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो कैमरा सेटअप है ना भाई, बिल्कुल टॉप लेवल फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर आपको और भी ज्यादा बढ़िया वाली फोटोज और वीडियोस क्लिक करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली S21 FE की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसके कैमरा सेटअप का ना और भी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया भाई। स्क्रीन के ऊपर आप फोटोज देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया फोटोज इस फोन के कैमरा सेटअप ने क्लिक करी है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग @60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों फोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप मैक्सिमम अगेन 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग @60 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन जबरदस्त है, लेकिन और भी ज्यादा बढ़िया फोटोज क्लिक करनी है डेफिनेटली S21 FE की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा को ना थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 4500 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार S20 FE के अंदर आपको 15 वोल्ट का चार्जर दिया जाएगा इन द बॉक्स, लेकिन वहीं दूसरी तरफ S21 FE के अंदर हमें कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि S20 FE स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे, वहीं दूसरी तरफ
तरफ S21 FE स्मार्टफोन के 8+128 GB वेरियंट की प्राइसिंग है 33,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो यार यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ S21 FE की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है ना भाई, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल वाली मिल रही है। और साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको अपडेट्स भी ज्यादा वाले देखने को मिल रहे हैं, तो भाई वैल्यू फॉर मनी डील तो यही वाला स्मार्टफोन ही है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।